मेरे चार अगर को नवीद हो, सफे दुश्मना को खबर मिले, वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरी जेब में मोबाइल है, कोई असला तो नहीं। मेरी जेब में मोबाइल है, कोई असला तो नहीं। नहीं हूं दसो, सिक्योरिटी तो कोई मसला तो नहीं। सिक्योरिटी! 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 अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी सज्जनों, ते बेलियो की हाल चाल है तुम्हारा? अरे मां चुदी पर ही है। तो यार आज की वीडियो में हम लोग खुल के लेने वाले हैं भगोड़ों की। शर्म शर्म करो शर्म। ना अलताओ भाई ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। यार अलताओ भाई ना, हूं नहीं हूं साडा बनता है। आज ना कुछ मत कहें, आज जो हम करते हैं ना बस करने दे। नहीं मतलब यार इन लोगों ने चार पांच दिन यहाँ मौज मस्ती की, मेहमान नवाजी एंजॉय की और फिर कह दिया कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। बल्ले हो तुम्हारे। तो आज फिर टीम ग्रीन ने भाई फुल टाइट सिक्योरिटी दी। भाई पहले तो मिस्टर हार्स पावर रऊफ ने मार्टन गपचेवल की किली पट्टी और इसको अपनी निगरानी में पवेलियन भिजवाया, और इसके बाद ना बाकी कई और को भी, और इन चिट्टी चमड़ी वाले छक्कों को कहा भी था कि भाई आज तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत सख्त है, फिर भी बाहर निकल रहे हैं। नहीं पोला जी बताओ ना इसे। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। नहीं हो गई ना अब सिक्योरिटी क्लियर। वैसे न्यूजीलैंड वालों ना कुछ शर्म होती है, 134 का तो पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता और तुम्हें सिक्योरिटी का मसला हल कराना है। नहीं मतलब डॉलर जो है वो 176 रुपए का है और तुम 134 लेके बैठे हो। पर एक बात बताओ ना, आपको आज का मैच को इतना क्लोज सिर्फ इसलिए लेकर गया गया था ताकि इनको बताया जा सके कि भाई आप इतने क्लोज आके वापस भागे हो। और हाँ एक बात और, ICC समेत बाकी सारे मुल्कों को भी हमारी तरफ से ऐलान है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से किसी और को भी अगर सिक्योरिटी का कोई थ्रेट है तो वो हमें अभी बता सकता है, क्योंकि साढ़े कोल ओदा भी इलाज है। और हाँ यार कैसी मकाफाती अमल है कि पहले जो दुआएं पाकिस्तानी किए करते थे अब वो पड़ोस वाले मांगे कि फलां फलां से जीत जाए और फलां फलां से हार जाए तो हम सेमीफाइनल खेल लेंगे। वैसे ना आज ये लोग भी पूरी तैयारी करके आए थे भाई, अपनी बच्चियां शिचियां चमका चमका के ना के ताकि लड़के इनको देखें और सिक्योरिटी लीक कर दिए। मगर आज भाई बॉयज ने फुल टाइट सिक्योरिटी में इनको निकाला है। और भाई आज तो मेजर जनरल आसिफ अली साहब ने अपनी निगरानी में न्यूजीलैंड टीम को घर तक पहुंचाया ताकि बाद में ये ना कहें कि हमें ये मसला रह गया था। वैसे सिक्योरिटी का तो मामला हल हो गया, लेकिन अब अगली बारी ना नमक हरामों की है। और वैसे अब ये कौन कह रहा है कि सानू नहीं पता, साडा इंग्लैंड नाल भी मैच कराओ। तो यार ये तो थी हमारी आज की वीडियो, ऐसे ही अगली किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।